आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ जूही सिन्हा। विपक्षी दलों की बैठक बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को की गई, लेकिन अब अगली बैठक जो है 13 और 14 जुलाई को होने वाली है। इसकी तारीखों के बारे में शरद पवार ने साफ तौर पर बता दिया है कि 13 और 14 जुलाई को बेंगलोर में अगली बैठक की जाएगी। और एक और जहाँ पर बिहार में ये बैठक की गई, कई दल जो है एक साथ मिले, कई सारी पार्टी जो है विपक्षी पार्टी वो एक साथ इस बैठक में मिली थी। और फिर लोकसभा 2024 की जो तैयारी है उसके लिए ये पूरी बैठक की गई थी। लेकिन अगली बैठक के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि अगली बैठक बहुत जल्द की जाएगी और फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर किन एजेंडों पर कार्य किया जाना है, राज्यों में किस तरीके से काम होगा, पार्टियों का जहाँ जहाँ पर अपना दबदबा है वहाँ पर किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से आगे की प्लानिंग होगी, ये जो सभी चीज़ें डिसाइड करनी थी उसके लिए अगली तारीख तय होनी थी, जिसके बारे में अब शरद पवार ने साफ तौर पर बता दिया है कि 13 और 14 जुलाई को ये अगली जो बैठक है वो होने वाली है। इस बैठक में फिर से जितने भी विपक्षी दल हैं वो एकजुट होंगे और इस बैठक में ये साफ हो जाएगा कि किन एजेंडों पर तैयारियां हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके से महागठबंधन के साथ में ये जो विपक्षी दल के सभी नेता जुड़े हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। बता दें ये जो पूरी तैयारी है वो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है। एक और बीजेपी इस तैयारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी है, ऐसा बयान लगातार सामने आ रहा है। जहां राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दल के द्वारा बैठक की गई, उस बैठक के बाद लगातार ये बात सामने आ रही है कि पीएम मोदी इस बैठक से घबरा चुके हैं। लेकिन अगली बैठक जो है जब वो होगी तब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। इसलिए जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।